हेलो स्टूडेंट, हम क्या देख रहे थे? क्लास 10 के CBSE का जो स्टैंडर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है 2019 एंड 20 के लिए, है ना। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दे रखा है? द एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड फिगर इज। देखिए, आपके सामने क्या दे रखा है? एक फिगर दे रखा है, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, बीच में जो शेप है ये किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में, और ऊपर क्या है? कॉनिकल शेप में, ठीक है। तो देखो, यदि हम क्या करें, जो कोन है हमारा, है ना, ये क्या शेप कहलाता है? इसका टोटल सरफेस एरिया पूरा होता है ना, लेकिन ये ऊपर ऊपर का निकालना है, इसलिए हम क्या होता है, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पाई आर एल, ठीक है। और फिर प्लस में हम देखते हैं ये किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। और अब क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे का भी निकालना पड़ेगा, तो नीचे किस शेप में है? ये सर्कुलर शेप में। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, 12th में क्या दे रखा है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन के माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखिए, आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है, इसका वन रूट इन्होंने क्या बोला है कि जो वन रूट है वो क्या दूसरे वाले से क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमको क्या इक्वेशन जो दे रखी है, वो इक्वेशन क्या है हमारे पास? के माइनस वन एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। हमने क्या मान लिया? लेट हमने क्या सपोज किया? वन रूट हमने इसका क्या सपोज कर लिया? हमने मान लिया वन। तो इसका रूट एक क्या है हमारे पास? y हो गया। जो अदर बोला है इन्होंने क्या बोला? उसका रेसिप्रोकल बोला है, तो अदर रूट क्या हो जाएगा? वन अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ रखा है सम ऑफ जीरोज, या सम ऑफ रूट, है ना, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो ये सेम वही थिंग है। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, वाई इंटू वाई, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है हमारे पास? सी बाय ए। हमने ये फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपोन है, वैसे हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी अपोन है। तो देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, वाई से वाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या सिर्फ ओनली वन और सी। यदि क्वेश्चन में देखें सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? थ्री है, तो थ्री हो गई। ए की वैल्यू क्या है? के माइनस वन, ठीक है। तो अब क्या करें कि हम यहाँ से k माइनस वन जो डिवाइड में लिखा है इधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो k माइनस वन इक्वल टू थ्री, माइनस का वन इधर किस में जाएगा? प्लस में। तो माइनस वन इधर आके वन आ गया, तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? आंसर आया फोर, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा आंसर, इसमें हम क्या लिख लेते हैं, जो हमारा आंसर रहेगा इस इक्वेशन का वो क्या रहेगा? k की वैल्यू कितनी आई हमारी? फोर, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका और में भी दे रखा है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ x, वेयर पी ऑफ x इज अ पॉलीनोमियल इन वेरिएबल x इज अ एज फॉलोज। देखिए, अब आपको क्या दे रखा है? आपको बताना है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ x इज, ठीक है। आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है। तो हमने पढ़ रखा है, ये जो ग्राफ है हमारा जो दे रखा है, एक्सिस पे जितने पॉइंट पे टच करता है उतने जीरोज होते हैं इसके। यहाँ पे हमको कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो इसका आंसर कितना हो गया? फाइव हो गया, ठीक है। देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर 35 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्रेंगल इज। देखिए, आपको क्या दे रखा है? दो ट्रेंगलों का पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है। ट्रेंगल ए बी सी है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 35। ट्रेंगल पी क्यू आर है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 45। आपको क्या बताना है? उनके एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं, मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। देखिए, आपके पास क्या है? दो ट्रेंगल है ना। हमने मान लिया एक ट्रेंगल है हमारा
एबीसी और एक ट्रेंगल के हमारा पीक्यूआर, ठीक है, इनके पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है ऑलरेडी। तो है ना, हमको मालूम है कि जो ट्रेंगल ये होते हैं उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है, उनकी साइडों के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो ट्रेंगल एबीसी का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल एबीसी रेशियो में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल पीक्यूआर उनकी साइडों के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके पेरीमीटर कितने दे रखे हैं हमको, 35 डिवाइडेड बाय 45, ये इनके साइडों के स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब हमारे पास सॉरी ये इनके क्या पेरीमीटर है, पेरीमीटर का रेशियो हम निकाल रहे हैं जो कि इनके साइडों के स्क्वायर होगा। तो साइडें कितनी है हमारे पास, जैसे हमने कोई भी एक ले सकते हैं, ए बी अपॉन हमने क्या ले लिया, पी क्यू हमने इसमें सपोज किया। देखिए तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे 5 7 35, 5 9 45, तो हमारे पास कितना हो गया, 7/9 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू 7/9 आ रहा है। अब पढ़ चुके हैं जो दो ट्रेंगल हैं हमारे पास, यदि दोनों ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशियो जो होता है उनके साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, है ना, इनकी साइडों के स्क्वायर के इक्वल में होगा। तो देखिए साइड का रेशियो तो दे रखा है हमको 7/9, ठीक है। तो 7 देखो स्क्वायर ओपन होगा तो 7 का भी स्क्वायर होगा और 9 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इट मीन जो रेशियो रहेगा इनका वो कितना रहेगा, 49:81, ये हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं कितना है हमारा, 49:81 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, फिल द टू ब्लैंक्स इन द सीक्वेंस, टू ब्लैंक्स 26 ब्लैंक्स, सो दैट द सीक्वेंस फॉर्म्स एन ए पी। आपको बताना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखा है ये फिल करना है और जिससे क्या हो जाए एक ए पी के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या ए है या ए वन हम इसको कह सकते हैं, ये ए टू है और ये ए थ्री है और ये ए फोर है, हमको ए वन दे रखा है और ए थ्री दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं आगे। देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ए वन की वैल्यू या ए हम कह सकते हैं ए की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, टू, और ए थ्री हमको दे रखा है 26। देखिए तो ए थ्री क्या होता है हमारा, ए प्लस टू डी इक्वल टू 26, तो ए की वैल्यू तो हमको दे रखी है 2 + 2d इक्वल टू 26, तो ये इधर जाएगा तो 2d इक्वल टू 26 - 2, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, डी इक्वल टू 26 - 2 जाएगा तो 24 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो गया ये 12 बार में, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। यदि देखो डी हमको मिल चुका है और ए मिल चुका है तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए टू निकालना है हमको तो ए टू इक्वल टू क्या इतना होता है ए प्लस डी, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना आ गया, 2 दे ही रखा है, डी हमारे पास 12, तो कितना होगा ये 14, यानी ए टू आ गया। वैसे हमको ए फोर निकालना था तो ए प्लस 3d होता है, तो ए की वैल्यू है 2 और 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 12, तो ये कितना हो गया हमारे पास 12 + 12 = 36, इट मीन्स ये आ गया हमारे पास 38, यानी कि ए टू आया हमारा 14 और ए फोर आया 38, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं इसको, ये हमारा 14 और ये 36, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and 5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इन नंबरों की लेस देन 1 और इक्वल टू 1 की, किसके स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। देखो आपको दे रखे -5 से +5 तक नंबर दे रखे हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके। देखिए आपके पास नंबर जो दे रखे हैं वो क्या है, माइनस फाइव
माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, वन, ठीक है, सॉरी माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। इन्होंने क्या बोला, इनके स्क्वायर है। यदि हम फाइव माइनस फाइव का स्क्वायर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 25। माइनस माइनस प्लस, वैसे ही फोर का 16, थ्री का 9, टू का 4, वन का 1, ज़ीरो का 0, सेम वन का 1, टू का 4, थ्री का 9, फोर का 16 और फाइव का 25। देखिए इन्होंने प्रायोरिटी किसकी फाइंड करने को बोली है हमको, लेस देन और इक्वल टू 1। तो यदि हम देखा जाए यहाँ पे, तो देखो इक्वल टू 1 तो ये है और लेस देन 1 ये है। इसके अलावा ये भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास, 11। तो 3/11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3/11, ठीक है।